टॉपिक पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर का एक एप्लीकेशन किया था और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, चीजें वही है, बस थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ से अपन देख रहे हैं। अब है वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। क्या लिखा मैंने बोलो, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। पहले ध्यान दो 10 मिनट, जो भी बता रहा वो बोर बता रहा है, जो रिजल्ट बता रहा अपने हाइपोथेसिस के मैथमेटिकल फॉर्म से बता रहा है। यहां पर जब हम देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो 2.18 × 10⁶ जेड अपॉन एन, ये पूरे डेरिवेशन के बाद आता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू 2.18 × 10⁸ जेड अपॉन एन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, बोलो जेड क्या है? आप कहोगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक मैंने कहा नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और मैंने कहा आपको कि एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है बोलो? नंबर, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षा, ठीक है, की संख्या। ओके, यानी अगर आपको ये याद है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। क्लियर? कितनी वैरायटी के बन सकते हैं वो सारे करेंगे, मतलब थोड़ी सिर्फ 1 मिनट की है। क्लियर? बाकी सारा क्या है बोलो, क्वेश्चन है, मतलब आपको एंड रिजल्ट सारे क्वेश्चन की वैरायटी करने के बाद यही ध्यान रखना, हर एप्लीकेशन का एक फॉर्मूला। क्लियर? ओके, बोर्ड ने 4 एप्लीकेशन बताइए, 4 फॉर्मूला, मतलब आपको एंड रिजल्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल है उसका रिवीजन सिर्फ 1 मिनट का होगा, 4 फॉर्मूला ध्यान रखना है। रेडियस पूछे तो उससे कर सकते हो, वेलोसिटी, एनर्जी और वेवलेंथ। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो आप ये नोट करोगे, ठीक है। ओके, करेक्ट क्वेश्चंस बोलो, ठीक है। दोनों एक ही है, ये क्या बताया मैंने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। क्लियर? कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियस पता लगा ली, तो वो कैसे करेगा वो भी पता लगाना पड़ेगा, गति। क्लियर? हटा दूं मैं बोलो ये, ठीक है, जितने वैरायटी हो सकते हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो कभी भी पूछा जा सकता है, बोलो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कि फर्स्ट कक्षा, ठीक है, बोलो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, वेलोसिटी होगी, ठीक है।
ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है 2.81 क्लियर इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड क्लियर ओके 21.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्लियर। नोट मत करो, इधर ध्यान दो, जैसे ही मिला अपने को हाइड्रोजन एटम, एटम आते ही ये आते ही आपको तुरंत कहाँ पहुंच जाना है, क्योंकि एटम के बारे में बेसिक सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड ने ही बताई है, क्लियर। बोलो आज भी हम बोर्ड ही वैलिड है जो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वेवलेंथ सब की बातें करता है, क्लियर। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6। अब चूंकि कुछ ऑप्शन सेंटीमीटर में कुछ मीटर में, तो कोई बात नहीं, एक अपने को ध्यान रखना है, और मैंने कहा z अपॉन n ये मीटर पर सेकेंड। मैं हमेशा कहता हूँ इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कल रेडियस का फॉर्मूला तो याद है, यही नहीं पता पीछे क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा, नैनोमीटर आएगा कि सेंटीमीटर मीटर, तो आपका गलत होगा ही होगा, बोलो क्लियर। यूनिट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब अपन ने देखा हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है, 1। बोलो ऑर्बिट कौन सी दी है, 1, ठीक है, तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया। तो फिर तो वी 1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अगर ये मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हम चेंज करते, बोलो क्लियर। तो अपने देखा ये तो मिल गया, बोलो बात समझ ना, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो खेल ऐसा खेल सकता है, बोलो यहाँ पर येलो, ठीक है, बात समझ में आए, थोड़ा सा ऐसा अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये होगा 2.18, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्या मैं यहाँ ऑर्बिट बदलते यही रहेगा, बदलेगा बदलेगा, बोलो। एक मैंने कराया, बोलो हाइड्रोजन की सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, फिफ्थ पूछे, किसी का भी पूछे तो कर सकते हो, और बाकी हाइड्रोजन के अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देकर किसी का भी पूछे तो जेड का रोल भी रहेगा, हाइड्रोजन का जेड वन है, सबका वन थोड़ी है, बोलो क्लियर। इसका मतलब पहली वेराइटी समझ में आए कि बोलो इस वेराइटी में किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट के अंदर आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है। एक मैंने कराया, एक आपसे पूछूंगा, मतलब हर एक वेराइटी का एक मैं बताऊंगा, एक आपसे पूछूंगा, क्लियर। नोट करोगे, ओके ठीक है, ये तो जस्ट क्वेश्चन का कोडिंग किया, एटम बदलेगा, ऑर्बिट बदलेगा, आंसर बदलेगा, क्लियर ओके। नंबर टू, मैंने आपसे कहा लिथियम, ठीक है, प्लस टू की थर्ड कक्षा ऑर्बिट, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, बोलो फाइंड आउट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ
मैंने कहा लिथियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन इन, बोलो थर्ड, ठीक है, ऑर्बिट। पहला ऑप्शन ठीक है 3 × 10^6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 21.8, ठीक है, × 10^5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 21.8 × 10^7 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और एक दे दिया नन ऑफ दीज, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? हो गया ए किसी का, बी बी इतने सारों का, सी सी भी है कुछ का, लपड़ा कहाँ है? समझ में आया बोलो कि अभी भी इतने बड़े हो गए हैं लेकिन पॉइंट इधर से उधर लाना अभी भी नहीं आया है, बात समझ ना? ठीक है, इधर देखो, आपने देखा कि v इज इक्वल टू 2.18 × 10^6 बोलो z अपॉन n। अब z कितना है बोलो? लिथियम का 3 और n भी है 3, तो अल्टीमेटली एक बार तो यही आएगा, और बोलो यही आएगा ना, लेकिन ये तो आंसर ही नहीं अवेलेबल, तो एक बार मैं जब तक इनको चेक नहीं करूंगा तब तक ये तो ही टिक करूंगा, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा यार मेरे को 6 की जगह 1 5 और 1 7, तो मैंने कहा ये पॉइंट मुझे इधर ले जाना है, किधर ले जाना है? इधर ले जाना, तो यहाँ कम होगा कि ज्यादा होगा बोलो? है, और सीधी सी बात है कम ही होगा ना, क्लियर। तो ये और ये सेम ही है, 221.8 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10^5 मीटर पर सेकेंड, सीधी सी बात है। तो बी होगा कि सी होगा? किस किस ने बी किया था और अब किस किस ने सी किया था? बहुत बड़ी गलती, देखो मैं छोटी छोटी मिस्टेक जो कराता हूं, मैंने कहा ना फॉर्मूले हर एग्जाम में जाने वाला स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी पढ़ने वाला सबको पता रहते हैं, बट सिलेक्शन में क्यों फर्क आता है? क्योंकि अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक जो एग्जामिनर कराते हैं उनमें इंप्रूवमेंट जरूरी है, क्लियर। मतलब आप सोचो आती हुई चीज बोलो, अगर जिसमें हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारा गलत भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, बात समझ में आई बोलो? क्लियर, ओके। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। मतलब आपको राजस्थान में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको कहे कि जो मैं पढ़ाऊं उससे आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि मैंने जो आपको पूरा 100% लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़ाता हूं, अगर आपने इतना पढ़ लिया और जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो नहीं किया तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, बात समझ ना? और आपको वही चाहिए क्योंकि आपको मैंने हर एक चीज पढ़ाता हूँ, बोलो बस आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना, समझ में आया बोलो? मतलब बहुत से बार स्टूडेंट इनमें तो ध्यान नहीं देता, वो पढ़ लू वो पढ़ लू, समझ में आया बोलो? और होता क्या है, जो वहां ऑब्जेक्टिव में मेन चीज है जो कि स्लिप मिस्टेक है बोलो, वो उस पर काम ही नहीं करता है, तो फिर क्या होगा बोलो? पढ़ने से तो दुनिया पड़ती है, पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होता है बोलो, पढ़ने के साथ स्मार्ट बनना पड़ता है, छोटी छोटी मिस्टेक, क्लियर। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है जो हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक ही सिखा दी जाती है, ज्यादा सीरियस हो रहा तो 8th तक 10th तक, आप तो बहुत आगे बोलो ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई बोलो बीएड सब किए हुए, तो इतना तो अपना ठीक है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो आया समझ में? अब मैं वैरायटी बदल रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि आप सोचो पूछेगा तो यही ना बोलो, थोड़ा दिमाग किसमें लगाएगा? ऑप्शन बनाने में, क्लियर, ओके। ये मैंने क्यों दिया, जान के समझ में आया बोलो आपको? अरे समझे समझे बोलो, क्लियर, ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बोलो, गलतियों से सीखते हैं बट बार बार तो मत करो गलतियां, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? बहुत सारे मन को खुश करते हैं, कोई बात नहीं गलतियों से सीखूंगा, बट जो गलतियां एक जैसी गलतियां बार बार क्यों कर रहा है भाई, नई गलती करें, समझ में आए बोलो? क्लियर, ये जो चेंज करने वाली तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ओके। और फिर भी होती है तो आप थोड़ा सा ये कर लो ना, ये है ठीक है, तो आप ये सोचो यार 2.18 एक बार इससे अलग करता हूँ, क्लियर,
अरे समझे समझे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर 21.8 आएगा ही नहीं आएगा बोलो? थोड़ा सा अगर हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो जाए, होती है बोलो क्लियर, लेकिन आप वापस क्रॉस चेक भी तो कर सकते हो कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि ये सही है। बात समझ में आए बोलो? ओके चलो, ये और ये तो सेम वेराइटी थी बोलो क्लियर। ओके अब मैं फिर आपको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 में क्या कर रहा हूं, मैंने कहा आपको हाइड्रोजन एंड ठीक है बेरिलियम प्लस 3 की सेकंड कक्षा, ठीक है बोलो कक्षा मतलब ऑर्बिट, ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन के वेग बोलो का अनुपात, ठीक है अनुपात यानी रेशियो क्लियर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बोलो होगा। अब पक्का ऑप्शन क्या आएंगे बोलो, एक आएगा 1 2, एक आएगा 2 1, एक आएगा 1 4, एक आएगा 4 1, यही ऑप्शन आएंगे। एक तो मैं करवा रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा, इधर ध्यान दो बोलो, ये सेकंड वैरायटी है। ओके तो टोटल 4-5 वैरायटी बनती है वेलोसिटी के अंदर। पहली वैरायटी समझ गए, सिंगल एटम उसकी ऑर्बिट उसमें वेलोसिटी क्लियर, तो वो तो मैंने 2 करा दिए। अब क्या बता रहा हूं, एटम बदल दिए लेकिन ऑर्बिट क्या रखा है सेम, एटम बदल दिया लेकिन ऑर्बिट क्या रखा है सेम, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका v इक्वल टू 2.18 × 10⁶, मैंने बोला z अपॉन n क्लियर, तो मुझे बताओ क्या सेम दिया है बोलो, n क्या दे दिया है समान, ओके इक्वल, तो बस फिर तो हमारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा z होगा। तो एक किसका पूछा हाइड्रोजन का और एक किसका पूछा है बेरिलियम प्लस 3 का, तो जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ जेड किसका आएगा हाइड्रोजन का, यहाँ किसका आएगा बेरिलियम प्लस 3 का। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और बेरिलियम प्लस 3 का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम क्लियर, तो जो आएगा वो टिक कर देंगे, क्या करेंगे 1 4 के 4 1 1 4। बात समझ में आए बोलो क्लियर, ये सेकेंड वेराइटी ठीक है नोट करोगे। भाई हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो जो थ्योरी वो बता दी, उसके बाद आएगा तो क्वेश्चन ही एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ठीक है। ओके तो इस पे बेस्ट मैं आपको एक देता हूं, पहला आप करना फिर तीसरी वैरायटी पे आएंगे ठीक है। ओके ये बोलो, जैसे इस फॉर्मेट में ही दूसरी वैरायटी कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखो, आपको कहा जाए फाइंड आउट पहले बताओ इसका मतलब समझे ही नहीं समझे, इसका मतलब समझे क्या समझे, हीलियम की सेकंड कक्षा और बेरिलियम की चतुर्थ कक्षा के मैं बोलो आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ठीक है फाइंड आउट, ये फाइंड आउट मैंने कहा ठीक है रेशियो ऑफ दिस वन दिस वन, इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखता तो क्या लिखता, हीलियम प्लस की सेकेंड कक्षा ठीक है बोलो तथा बेरिलियम प्लस 3 की फोर्थ ऑर्बिट ठीक है में इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ठीक है, ये आपको करना है अनुपात होगा ठीक है, मैं तो सिर्फ ऑप्शन दूंगा क्लियर, मैं तो क्या दूंगा बोलो ऑप्शन ठीक है। चलो ऑप्शन मेरी तरफ से 1:2 ठीक है 4 1:1
ठीक है, 8:1 और नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कर लिया बोलो, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, बस पैटर्न सीखो आप, बात समझो ना कि एंड रिजल्ट वही फॉर्मूले से काम होगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, मैंने कहा इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, रीड करना आना चाहिए। क्लियर? किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो। एक तो रफ होनी चाहिए सबके पास में, कुछ भी मैं पूछूं फटाक से रफ में। ठीक है, फेर और रफ अलग अलग होती है, मैं देखता हूं, मेरी नजरें जाती है, किसी ने फेर कम रफ, रफ कम फेर, एक ही चलती है। ठीक है, बचपन में जो ऊपर भगवान जी की जगह होती थी उसको तो बना दिया रफ, ठीक है, नीचे कर रहे हैं फेर। चलो, ए किसी का आंसर, बी सी डी, ओके, छुपा रहे, दिखाई नहीं रहे आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा क्या एग्जामिनर आपके माइंड के साथ गेम खेलता है, बहुत सिंपल चीजें हैं। क्लियर? बोलो, आप ये देखो कि v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। ये मैं बार बार क्यों लिखता हूँ समझ में, ताकि आपको मतलब याद हो जाए, क्लियर, कि इस एप्लीकेशन में यही सब कुछ है, ये है तो सब है। क्लियर? अब कंपैरिजन करते हैं तो कांस्टेंट चीज का तो कोई रोल ही नहीं है, बोलो जेड अपॉन एन। अब अपन ने देखा कि बोलो करूंगा क्या मैं आपका, ये बोलो आपका हीलियम, ठीक है, और ये आपको मैंने कहा ये मुझे करना है, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आपको सिखा रहा हूँ जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हीलियम का जेड, ओके, और मैंने कहा बेरिलियम का जेड, बोलो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बेरिलियम का एन, क्लियर, और आपका हीलियम का एन, चलो रख देते हैं। बोलो आपका हीलियम का कितना है 2, बेरिलियम का कितना है 4, बोलो बेरिलियम का एन कितना दे रखा है 4 और इसका कितना दे रखा है 2, ये कट गए तो 1:1 आएगा। क्लियर? कोई ये तो नहीं सर मेरे तो रास में 1 ही आया है, एक 1 और कहां से आया, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, तो मैं तो सर ये करूंगा, मैं बार बार बताता हूं किसी का रिजल्ट 4 आया और रेशियो में पूछे तो 4:1, और मतलब मैं क्या कह रहा हूं, गलत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लियर? आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। पहले बताओ ये सेकेंड वेराइटी समझ में आए, बोलो आपको, फिर मेरे से बहुत सारे बहस भी करते सर 1:1 तो 2 हो गया, और भाई या का प्लस एंड का, ठीक है। तो थर्ड वैरायटी बताओ, मैं बोलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको पूछा जाए हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन के वेग वेलोसिटी का रेशियो अनुपात होगा। ठीक है, देखो पक्का ऑप्शन, एक 9:1 आएगा, एक 1:9 आएगा,
एक 3:1 आएगा और एक 1:3 आएगा। एक मैं बता रहा हूं, फिर आपसे कर रहा हूं। इस बार वेराइटी में क्या हो रहा है, एटम सेम दे दिया है, क्लियर, और ऑर्बिट दे दिया अलग अलग, कोई बात नहीं। क्या पूछना जा रहा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बोलो एक तो वन और हाइड्रोजन का ही थर्ड, ये मैं लिखता हूं समझ के बोलो। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी, हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आप जानते हो 2.18 × 10⁶ बोलो z अपॉन n, क्योंकि z तो हाइड्रोजन ही है तो सेम हो गया, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्लियर। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर बोलो मैं क्या लिखूंगा, बोलो यहाँ पर n 3 और यहाँ पर लिखूंगा n 1, क्लियर। तो बोलो 3 1, बात समझ में, तो बस वही आंसर हो गया अपना, क्लियर। तो क्या होगा, c हो जाएगा, आया समझ में, बोलो ठीक है। पूछू मैं ऐसा, बोलो एक, ठीक है। इसमें क्या किया था, समझ में आया, बोलो, एटम भी बदला था और ऑर्बिट भी बदला था, ठीक है, बोलो सेम, बोलो इसमें क्या रखा था मैंने, ऑर्बिट सेम रखा था, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बोलो आपको, ठीक है। इस बार क्या किया, बोलो एटम सेम रखा, तो वो तो आपको क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। तो ऐसा मैं आपसे पूछता हूं नंबर 6, ठीक है। लिथियम प्लस, ठीक है, कि सेकंड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, के वेलोसिटी का रेशियो निम्न में से, क्लियर, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है, 1:2, 2:1, ठीक है, बोथ और नन, ठीक है, सोच लिया अपना अपना आंसर। इस बार क्या है, एटम सेम है, क्लियर। चलो ए किस किस का आंसर है, बी किस किस का आंसर है, आधो का है आधो का बी, सी डी, अब देखते हैं कौन सही जीतता है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा वी बोलो, ठीक है, बोलो जेड तो क्या है, सेम है, बाहर आके पता चले वो कोई मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो वहां ऑन द स्पॉट पता चलना चाहिए पूछा क्या था, और समझे समझे बोलो, क्लियर। यही ऑब्जेक्टिव का गेम है, मैं आपको बता दूं, जो इसको सीख गया वो सेलेक्ट हो गया, क्लियर, और जो खाली घोटम घोट कर रहा है बोलो ऑब्जेक्टिव के गुर कुछ नहीं सीखा है वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, बात समझ ना। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ ये आरपीसी के एग्जाम इतने इजी है, या 60-65% वाले तो सेलेक्ट होते, अच्छी रैंक लाते 70 वाले, या कहाँ आज तक देखा 95% कट ऑफ गई है, 98 गई है, और बोलो इसका मतलब गलतियां सब करते हैं, जो कम गलतियां करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ओके, मेरी बात समझ में है। तो आप पहले तो आंसर निकालेंगे, क्लियर, बोलो क्या पूछा है, सेकेंड और फोर्थ का, क्लियर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एन फोर्थ और एन टू, क्लियर, फोर ये किया, आंसर क्या आया, 2:1, ठीक है, बट मैंने पूछा क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो 2:1 होगा, 1:2 होगा, ठीक है, किस किसने ए टिक किया था, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, ठीक है।
समझ में आया बोलो। इसका मतलब एक बात पता चली कि अगर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 तक अपने को माइंड सही रखना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, ऐसा नहीं हो कि कभी तो माइंड सही रख लिया कभी ख्यालों में खो गए, ऐसा नहीं। मतलब हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है बस। और एग्जामिनर तो जाल बिछाएगा बिछाएगा, वो तो पेपर बनाते समय सोचता ही यही है कि मैं क्या करूं कि स्टूडेंट बोलो गलत करे। समझे समझे बोलो, क्लियर? ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं ऐसा छिपाया है, क्लियर? देखो समझ में आया बोलो, ठीक है। और आप देखोगे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये लिखा हुआ रहता है। आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि 150 में से 20, 30, 25, 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो नहीं वाले होते हैं, क्लियर, जिसमें अपना ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगली वेरायटी बताऊं, मतलब वेरायटी तो मैं करा रहा हूँ, बस छोटी छोटी मिस्टेक जो एग्जामिनर आपसे करवाता है वो भी करा रहा हूँ। वो कब करा रहा हूँ? जब आपको पूछ रहा हूँ। मैं तो सीधा साधा करवाता हूँ, क्लियर? अरे समझे समझे, जब आपसे पूछूंगा तो मैं वो करवाता हूँ, ठीक है। अब अगली वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्जामिनर सोचे कि थोड़ा और अच्छा वेरायटी बनाऊं, क्लियर, ये तो सबको आता है और अच्छा वेरायटी। तो वो क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश, ठीक है, का वेग, ओके, यानी वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, एटम एटम की फर्स्ट कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के वेग से कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा ये तो आप पक्का है कि वेलोसिटी ज्यादा किसकी होती है? और सनलाइट की ज्यादा होती है ना, बात समझ में आए? बोलो इधर देखो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है 147, एक है 137, एक है 197 और एक है सपोज आपका 297, ठीक है। इधर देखो मैं करके बताता हूँ, जैसे ऐसा पूछा है, क्लियर। तो आपको क्या पूछा है बोलो इसका, तो मुझे बताओ इसका तो दुनिया जानती, फिक्स होता है सी कितना होता है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा दिमाग लगाए, मैंने कहा जेड अपॉन एन है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मैंने कहा अगर हाइड्रोजन का बोलो, हाइड्रोजन की पहली मैंने कहा पहली कक्षा का बोलो वेलोसिटी अगर मैं करूं, ठीक है, तो 2.18 × 10^6 बोलो जेड अपॉन एन करूंगा तो 1:1 करूंगा बोलो, क्लियर। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 2.18 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे से पूछा ये इससे कितना ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा इसमें बोलो, आपसे मैं को इससे डिवाइड करूंगा तभी तो पता चलेगा ना, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो पहले बताओ ये तो क्या होगा 2, ठीक है, ऊपर कर दो 300, कर दिया मैंने 300 बोलो, क्लियर। नीचे है 2.18, इसको हटाऊंगा तो बोलो और क्या लगेगा यहाँ पर, क्लियर, बात समझ में आए बोलो। अच्छा बोलो यहाँ पर चूंकि दो ऑप्शन 150 से कम है इसलिए मुझे एक्जेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बोलो, अगर एक ऑप्शन ही 150 से कम होता तब तो मैं सेटिंग बिठा लेता कि यहाँ पर इसको हटाया 100, 300 में दो को काटा 150, 2.18 मतलब थोड़ा 2 से ज्यादा है मतलब 150 से थोड़ा कम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, इतना तेज दिमाग आपका चलना चाहिए कि ये दो ऑप्शन तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकते बोलो, क्यों नहीं हो सकते समझ में आया? अब चूंकि मैंने जब ऑप्शन बनाया तो दिमाग लगाया तो एग्जामिनर भी ऐसा करेगा बोलो, क्लियर। एक क्या दिया 137, एक क्या दिया 147, आपको भाग देना पड़ेगा, क्लियर, और वो भी एक नहीं दो बार देना पड़ेगा। एक बार तो आपको पता चल रहा है वन टाइम, एक बार देना है कि दो बार देना है ये भी पता चलना चाहिए, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा फिर तो आपको पहला तो 1 हुआ बोलो, क्लियर, फिर आपने देखा कितना बचा 82, क्लियर, फिर आप सोचो कितनी बार जाएगा, तो मैंने कहा पक्का 3 बार ही होगा बोलो, क्लियर, 4 बार तो इससे भी बाहर निकल जाएगा, तो इससे बाहर निकल जाएगा, कैसे पता चल, मतलब डिवाइड भी कहाँ करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और टिक करना है बोलो, फिर तो 7, इसका मतलब इसका आंसर 137
गुना, मतलब आपको एक वैरायटी समझ में। अब आप सोचो इसमें कितने बन सकते हैं। प्रकाश का वेग हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से हीलियम की और दुनिया भर के बन सकते हैं ना, मैंने एक पैटर्न बताया। और ये वाला क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया। अगर एग्जामिनर दिमाग नहीं लगाएगा और देना तो वो एज इट इज दे देता है, क्लियर। बट ऐसा नहीं रात दिन सुबह उठ के 137 137, और ऐसा नहीं बोलो थोड़ा सा चेंज किया नहीं आंसर बदल जाएगा, इसलिए बोलो पैटर्न आना चाहिए, क्लियर। अब मैं पूछू बताओगे पक्का? एक मैं पूछता हूं, ठीक है। पूछू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो सूर्य के प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है, हीलियम प्लस की सेकेंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कितना गुना ज्यादा होता है, ठीक है। पहला 127, 137, 147, 157, ठीक है। हो गया, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ए किसी का, अच्छा इस बार तो नन ऑफ दीज भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। ए बी, बोलो बी आंसर होगा, क्लियर। भाई आपने अभी कैलकुलेशन की थी, ये तो फिक्स है, बोलो 3×10^8, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। फिर बोलो जो भी पूछे आपको, बोलो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा चलो 2.18×10^6 जेड अपॉन एन, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। बट हीलियम का जेड भी कितना है 2 और एन भी 2, सेकेंड कक्षा पूछा,
तब तो इसका मतलब वही आएगा बोलो, और वही आ गया तो हमारा एक्सपीरियंस है कि भाई उसका तो रेशियो सर ने किया है बोलो कितना आएगा 137। क्लियर? हर बार 137 होगा क्या? नहीं, ये तो मैं सेटिंग कर रहा हूं इसलिए। अरे बोलो, थोड़ा सा बदलते आंसर बदल जाएगा। क्लियर? एक और पूछता हूं, ठीक है? मतलब आप समझ गए, ये तो हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन। बोलो क्लियर? अब इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मतलब इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। बोलो जो आपको दे, बोलो ये करेंगे, जो आएगा उसको करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इसका रिस्का तो हमने किया है, तो हमें पता 137। बोलो बाकी और भी कुछ होगा तो वो भी कर लेंगे। क्लियर? ओके, जैसे मैं आपको एक और पूछता हूँ, हो गया ये नोट? बोलो कि डिवाइड करके बताऊं, और अभी तो बताया ताजा ताजा। क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य के प्रकाश का वेग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, कि फोर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के वेग से कितना गुना होगी, ठीक है। ठीक है, हो गया? ए किसी का आंसर, बी दो जने, सी डी, ओके बाकी कर रहे, चलो करो। गलत गलत होता है, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो, बात समझो ना, ठीक है। पहली बात तो कोई इतनी कैलकुलेशन है ही नहीं, कर क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आया। किसी ने आधा पेज भर दिया है, और बहुत सारे तो मैं देखता हूँ ये दुनिया भर की कैलकुलेशन करी उसी के बीचों बीच कर रहे हैं,
तो उनको यही नहीं पता चलता है कि क्या करना है। कैलकुलेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर, ओके, और स्मार्ट होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही करना चाहिए, क्लियर, ओके। इधर देखो, सबसे पहले तो बोलो, ये आपका 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, बोलो वी पता लगाना है किसका, बोलो हाइड्रोजन की चौथी कक्षा, 2.18 × 10^6। मैंने कहा जेड अपॉन एन होता है, तो जेड तो 1 हो गया, एन कितना हो गया 4, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा जब मैं ये करूंगा तो सीधी सी बात है 3 × 10^8, ये तो आपको करके बता रहा हूं, बाकी तो आपको पता चल गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसका तो अपने को एक्सपीरियंस है कितना, 137, तो बस 4 से मल्टीप्लाई करके और टिक करना है, क्लियर। और ऑप्शन ऐसे है, अरे समझे समझे, कोई बात नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है, 130 अच्छा लगता है, 13 4 करो और टिक की तो करना है ना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, नहीं तो ये भी तो बोलो इजी है, बोलो, यानी इतना सा पेन चलाना था, बाकी तो आपका वैसे, मतलब अब आप सोचो मैंने ये जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया, इसकी हेल्प लेके आप बोलो चीजें कैलकुलेशन बहुत इजी कर सकते हो, बात समझ में आए, बोलो क्लियर, ओके। ये करूं मैं आगे, रेशियो, ये तो इतने गुना होगा, यहाँ मीटर पर सेकंड थोड़ी लगाऊंगा, और ये तो इतने टाइम्स ज्यादा है ना, ठीक है, पहले बताओ मैं सेकंड एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चंस ही करने आएंगे, क्वेश्चंस ही, बोलो क्लियर, 4 एप्लीकेशन के 4 फॉर्मूले और उनपे बेस क्वेश्चन, ठीक है, तो आज जो वेलोसिटी वाला बताया, समझ में आया, बोलो आपको, ओके, पैटर्न यही रहेंगे, यहाँ पर एटम बदल सकते हैं, बोलो इन वेराइटी के अलावा और कोई वेलोसिटी का वेराइटी बनती ही नहीं है, क्लियर, तो मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा, बोलो क्लियर, ओके। ये तो ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, क्लियर, बट मैंने कहा ना इसको यूज करके और भी पूछ सकते हैं, बोलो ठीक है, तो अपने को रटना नहीं है 137, जो दे उसको करना है, क्लियर, और थोड़ा एक्सपीरियंस का भी यूज करना है, ये हम तीसरे कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस का यूज किया ना, कि जब बार बार पता है कि बोलो 64 का रूट 4 आते, बोलो आपका 8 आता है, तो फिर क्या हर बार 8 निकालना ही है थोड़ी, अरे बचपन से यही तो सीखा ना मैथ्स में, क्या करते हैं अपन, बोलो जो चीज हम जान गए हैं उसको डायरेक्ट यूज करते हैं, रूट 4 का 2 आता तो फिर 2 जब भी आता है रूट 4 तो 2 कर लेते हैं, वैसा ही कर रहा हूं मैं, क्लियर, ओके। अच्छा इसमें एक और वेराइटी नंबर 5 जो वैसे सबसे बेसिक है, कि एटम की वेलोसिटी वेलोसिटी एन के साथ क्या रिलेशन रखती है, ठीक है, रखती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब में बनेगा, तो ऑप्शन है पहला एन स्क्वायर, दूसरा 1/n², तीसरा एन, चौथा है आपको 1/n, आए समझ में, बोलो, तो ये भी अपना वो फॉर्मूले से ही होगा, बोलो क्या आंसर होगा, बोलो है 1/n, क्लियर, अगर यही रेडियस का पूछता तो ए, मतलब आप समझ गए जो मैं बता रहा हूं उन सब में इस वैरायटी का तो क्वेश्चन बनता ही है, आपको बस याद क्या रहना चाहिए पक्का, v इज इक्वल टू 2.1 × 10^6, बोलो आपका मल्टीप्लाई जेड अपॉन एन, क्लियर, और वो भी क्या मीटर पर सेकेंड, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, इससे ही सोल्व होगा, क्लियर, ओके, ये वाला समझ में आया, बोलो ठीक है।